नमस्कार। इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी जो है वो चाइना की इकोनॉमी से फास्टर ग्रो कर रही है, ये बात सबको पता है। लेकिन करंट प्रेडिक्शंस या करंट जो फ्यूचर में आने वाला टाइम है उसके लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये बोलती हैं कि इंडियन इकोनॉमी आगे भी फास्टर राइज करती रहेगी। हालांकि शी जिनपिंग अभी अभी तीसरी बार प्रेसिडेंट दोबारा बने हैं, उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि मैं कैसे भी रिवाइवल ला दूं। चाइना ने पूरी इकोनॉमी ओपन अप कर दी, कोविड की सिचुएशन सबके सामने है कि कितनी लाशें पड़ी थी, फिर भी चाइनीज इकोनॉमी रिवाइवल पे आती नहीं दिख रही है। सप्लाई लाइंस की क्या पोजीशन है और चाइनीज इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, इसी बात करने के लिए मेरे साथ सुमित जैन साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और इन्होंने चार किताबें लिखी। वो चार किताबें आपके सामने हैं, बहुत अच्छी सेलर, बेस्ट सेलर जैसे बोलते हैं। वो है टिबेटियन वे दैट रियली वर्क्स, एक किताब है इनकी, 108 मंत्रस टू बी मास्टर ऑफ सेल्फ, ये भी एक किताब है। हाउ टू विन इन बिजनेस डील्स, मतलब कितनी किताबें हैं सर। फाइनल किताब एक मैं आपको बताना चाहूंगा, लेट मी टीच यू वन टूल ऑफ सक्सेस। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, इतनी किताबें लिखने के बाद, इतनी किताबें लिखने के बाद हाउ डू यू फील सर? किताबें मीन्स 4 बुक्स एंड सारी की सारी बेस्ट सेलर्स। रॉय जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ योर शोज। आई हैव बीन लिसनिंग टू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो थैंक यू सो मच। एज फार एज राइटिंग द बुक्स इज कंसर्न, आई एम यू नो यू कैन से अ बॉर्न राइटर। आई बीन राइटिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग आप टाइम। सुमित जी, आप हिंदी भी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। Yes, I am from India. Yes, I आप am a इंडिया writer से for a हैं। long time. हाँ, तो बहरहाल बहरहाल हिंदी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो हिंदी में भी सुनते हैं और अच्छा समझते Okay, हैं। okay, okay. No issues. हिंदी में बात करते हैं, थोड़ा नेचुरल रहता है। जब आप इंडिया में नहीं रहते तो आई नो, एक मुझे फॉरेन पता। लैंग्वेज यूज करनी, तो एक राइटिंग का शौक मुझे शुरू से रहा है, राइट फ्रॉम इवन कॉलेज टाइम से भी। तो बाद में बिकॉज इतना एक्सपीरियंस रहा है, 20-25 ईयर्स मैं इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ और एक एनालिस्ट के तौर पर मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी किया है, तो सारे एक्सपीरियंस को मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी लोगों को। और मैं यहाँ पर एक मेंटर भी हूँ, इंटरनेशनल फोरम्स में मैं बात भी करता रहता हूँ, आई गो टू सेमिनार्स, मेरे अपने वर्कशॉप्स भी हैं। तो सारे एक्सपीरियंसेस को एक निचोड़ कर मैंने एक बुक्स में कन्वर्ट किया और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो फिर एक एक मोटिवेशन मिलता है आपको आगे आगे और लिखने के लिए। तो ऐसे चलता रहा सिलसिला और अभी भी चालू है, अभी भी 2 बुक्स मैं लिख रहा हूँ। और हे हाउस एक बहुत बड़ा ग्रुप है अमेरिका का जो पब्लिश करता है बुक्स को, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया बुक लिखने के लिए, तो मैं लिख रहा हूँ उनके लिए। तो होपफुली अनदर नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे आपके साथ तो मेरी बुक पब्लिश हुई होगी अमेरिका में। डन। अच्छा एक चीज, हम बात करें अपने टॉपिक पर, चाइना का जो सिचुएशन थी, चाइनीज इकोनॉमी इतनी फास्ट भागी थी, अब लोग बोल रहे हैं इसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं, और स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स मीन ज्यादा देनी है, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप चाइना कई बार जा चुके हैं और चाइना में अपना काम भी कर चुके हैं, बिजनेस भी कर चुके हैं, वहां की कंपनीज को लीड कर चुके हैं। क्या स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं और क्या चाइनीज इकोनॉमी वाकई रोबस्ट नहीं है? रोहित जी, चाइना में एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं कि रॉकेट की तरह ऊपर गए, अब रॉकेट की तरह नीचे आ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें उसके उसके पैरेलल में, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक जैसे फ्लाइट जाती है ऊपर को, आराम से जा रही है, अभी ऑटो मोड पे है और वो वैसे चलती रहेगी। तो चाइनीज इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी फंडामेंटली। फंडामेंटली ये सिर्फ चाइना वाले पप्पू बने अमेरिका के हाथों में। लेट्स टेक इट इन दैट वे। अमेरिका ने इनको बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया। इनको बोला भी अपनी इकोनॉमी को खोलो, हम अपनी सारी फैक्ट्रीज आपके पास लेकर आ रहे हैं, और चाइना वालों ने सारी अपनी जो है उसकी गोद में जाके बैठ गए। इन्होंने इकोनॉमी खोल दिया, सारी फैक्ट्रीज को यहाँ लेकर आ गए और उनके लिए चीप प्रोडक्ट्स बना बना के भेजा इन्होंने। और गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ ये कंपनीज राइज करती गई, जो हमें दिखता था कि कंपनीज राइज कर रही हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्होंने लोन उठाए। अभी आप देखिए इंडियन इकोनॉमी जब देखते हैं तो वहां पे जो गवर्नमेंट भी है, अगर हमारी 3 ट्रिलियन 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हमारे जो लोन्स हैं वो 500-600 बिलियन डॉलर्स के हैं, जिसको हम बोलते हैं एक प्रॉपर बिजनेस एथिक्स।
यहाँ की जो इकोनॉमी है वो अगर 15 ट्रिलियन, कभी कोई बोलता है कि 18 ट्रिलियन है, कोई 20 ट्रिलियन बोलता है, कोई 12 ट्रिलियन बोलता है, अगर हम 15 ट्रिलियन लेके चले तो इनके जो एक्सटर्नल डेट्स हैं वो 3 टाइम्स टू देयर जीडीपी है, और वही हाल इनके बिजनेसेस का भी है। अब ये ड्रैगन जो है, ड्रैगन को चलने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है खुराक। और इनकी खुराक क्या है? खुराक है बिजनेस। बिजनेस चलता है इंटरनल कंजम्पशन नहीं, बट एक्सपोर्ट्स। हमारी जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन की बेस के ऊपर आगे चल रही है, हमें एक्सपोर्ट्स भी चाहिए, लेकिन जो चाइनीज इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स मेनली। और आज की डेट में इनका डेट इतना ज्यादा है कंपनीज का, दे कैन नॉट पे। पिछले साल 6 लाख से ज्यादा कंपनी बंद हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ वन रीजन ओनली, डेट। अभी हमने एवरग्रैंड का नाम सुना होगा, इन डीप क्राइसिस। नॉट ओनली एवरग्रैंड, जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जितनी भी लार्ज स्केल कंपनीज हैं, इन्होंने बेतहाशा पैसा लगाकर एक्सपोर्ट के ऊपर जोर दिया कि ये फोकस इंडस्ट्री है, बट मार्जिन नहीं लिए। आज चाइना को रियलाइज हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, हमने अमेरिका के लिए पैसे बनाए, अपने लिए नहीं बनाए, और ये डेट लेकर बैठे हैं, अमेरिका पैसे कमा के बैठा है। ओके ओके राइट। अच्छा एक चीज और बोली जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐसी स्ट्रेटेजी खेली जिससे चाइना को नुकसान हुआ, खासतौर से बिजनेस फील्ड में। या लेकिन बोला तो ये जा रहा है कि हम लोग उनके साथ, हमारा जो करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में है, और करंट अकाउंट डेफिसिट मीन्स हम उनके साथ लॉस में बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको 2014 से पहले और 2014 के बाद की सिचुएशन को हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2014 से पहले इंडिया एक, जिसको हम फ्रेजाइल 5 बोलते हैं, वी वर वेरी फ्रेजाइल इकोनॉमी। लोग, हमें लगता था कि ये कभी भी उठ नहीं सकते अपने अपने पोटेंशियल पर। और आप बिलीव कीजिए, मैं चाइना में जब आता था तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे। यहाँ पे जो मूवीज दिखाई जाती थी वो दिखाते थे जैसे दंगल टाइप मूवीज, जिसमें दिखाते हैं कि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, सड़कें भी बनी नहीं हुई हैं, कोई स्टेडियम नहीं है, और बाप अपने लड़की को ट्रेनिंग भी जो है वो खेत में जाकर, मिट्टी में जाकर करवा रहा है। एंड दे यूज टू फील वेरी हैप्पी कि लुक एट अवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लुक एट इंडिया। उसके बाद मोदी जी जब आए तो इन्होंने क्या किया, आत्मनिर्भर की बात शुरू करी कि हम खुद बनाएंगे अपना एंड हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। चाइनीज हंसते थे हमारे ऊपर, मैं जब यहाँ पे बोलता था कि भी हम खुद, इंडिया वाले खुद बनाने लगे हैं, तो ये बोलते थे कि आपके कंट्री के अंदर जो आप अंडरवेयर डालते हो उसका जो इलास्टिक है ना, वो भी चाइना से बन के आता है। अब आत्मनिर्भर बन के चाइना को कैसे डिस्काउंट कर सकते हैं? और आज की डेट में हाल ये है कि वी हैव टेकन ओवर। आज भी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट होते हैं चाइना से, लेकिन बहुत फर्क है। अब मैं यहाँ पे, मैंने बहुत कंपनी से काम किया यहाँ पर, जो इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स को, आज की डेट में वो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं। पहले यहीं से 100% यहीं से प्रोडक्ट्स इंडिया में जाते थे, अभी ऐसा नहीं। अभी इंडिया में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, किचन वेयर प्रोडक्ट्स हैं। आप प्लास्टिक इंडस्ट्री देखिए, अब इंडिया में उभरनी शुरू हो गई है। पहली बार आप दिवाली में, आपने लास्ट ईयर 2 सालों में देखा होगा कि जो इवन जो लाइट्स लगती हैं, जो घरों के बाहर हम दिवाली की लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं, वो सब इंडिया में बनने शुरू हो गए, जो कि 100% चाइना से आने शुरू हो गए थे आफ्टर द एग्रीमेंट बाय राहुल गांधी विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और 2011 में इन्होंने हमारी एसएमई इंडस्ट्री के मोर देन 100 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसको बर्बाद करके रख दिया, चाइनीज प्रोडक्ट्स को आना शुरू कर दिया यहाँ पर इंडिया में। बट अब आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो रहा है। नाउ एज फॉर डेफिसिट इज, आपके दो पार्ट थे क्वेश्चन के, जो डेफिसिट आज की डेट में है, अब दोनों में फर्क देखिए। पहले क्या था, प्रोडक्ट्स आते थे, अभी रॉ मटेरियल्स हमारे इंडिया में आते हैं, जो जो कि बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन है कि इंडिया में अब इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है जो उस रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस कर आगे प्रोडक्ट्स बनाकर पूरे वर्ल्ड में भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एपीआई है, जितनी भी मेडिसिन है उसका सारा एपीआई चाइना से पहले आता था, लेकिन उसका परसेंटेज कम होना शुरू हो गया, क्वांटिटीज बढ़नी शुरू हो गई है, जो डेफिसिट बढ़ रहा है उसका रीजन है कि अब द रॉ मटेरियल्स आर कमिंग एट अ हाई स्पीड। अगर पहले 1 टन आता था, अभी वो 10 टन हो गया या 5 टन हो गया, 5 टाइम्स मोर देन बिफोर। लेकिन उसका हमारा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है। अगर आप इंडिया में देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट्स पहले था 50 टन, 50 बिलियन डॉलर्स का या 100 बिलियन डॉलर्स का, अब हम 400, 500, अब 1 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? बिकॉज जैसे ब्रिटिशर्स ने बिफोर इंडिपेंडेंस
दे यूज टू टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम अस, टेक टू ब्रिटेन, प्रोसेस इट एंड वर्ल्ड वाइड उसको एक्सपोर्ट करते थे। अभी इंडिया ने वो काम शुरू कर दिया कि जहां जहां से रॉ मटेरियल मिलता है सस्ते में उसको लो और इंडिया में बनाना शुरू करो। अभी आपने देखा होगा जैसे इंडिया ने PLI स्कीम्स लगाई हैं, सारी रॉ मटेरियल्स मशीनरीज, बिकॉज चाइना बहुत मशीनरी बनाता है जो चीपर लेवल पे होती है, दे आर इम्पोर्टिंग दोस टू इंडिया सो दैट वी कैन डू फास्टर बिजनेस, फास्टर कन्वर्जन एंड देन री एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। सो अगर हमारा डेफिसिट बढ़ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग मोर ऑफ रॉ मटेरियल्स मशीनरीज, सो दैट वी बिकम मच मोर कंपेरेटिव इन द वर्ल्ड। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आप वही देखेंगे 2026 के बाद, 27 के बाद ये डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग खुद की इतनी बढ़ जाएगी। अभी जितने भी ये रॉ मटेरियल्स हैं इंडिया में ऑलरेडी PLI स्कीम के अंडर, ये सारे की सारी चीजें इंडिया में बनने वाली हैं। अब 2026 के बाद देखिए इंडिया की जो ग्रोथ पेस है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक एनीथिंग एंड चाइना विल बी नोवेयर अराउंड अस। राइट। अच्छा एक चीज और जो बोली जाती है वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स में आगे फ्यूचर है, जिस सेमीकंडक्टर के लिए 1,000 करोड़ का यहाँ पे 1,000 करोड़ से ज्यादा का वो लग रहा है, प्लांट्स लग रहे हैं और करीब जैसे बोलते हैं पूरा पूरा पार्क लगाने की बात चल रही है अहमदाबाद गुजरात में और रेस्ट ऑफ द कंट्री में, चाइना सेमीकंडक्टर्स में कहीं लूज करता दिख रहा है। सेमीकंडक्टर ताइवान उसका किंग होता था, ताइवान ने वो पहले वो चाइना में बनवाता था, अब वो इंडिया की ओर भेज रहा है। क्या सेमीकंडक्टर में लूज करने से चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा? इज इट द विक्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? देखिए एक बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज सेमीकंडक्टर। और आज की डेट में इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अमेरिका और चाइना का एक जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है कि कोई भी ट्रांसफर, जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो ट्रांसफर्स हैं वो चाइना को नहीं होनी चाहिए। अभी चाइना के पास जो सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत पुरानी हो गई है, प्री कोविड टाइम्स, वो 2020 21 के बाद उनके पास कोई भी नया टेक्नोलॉजी नहीं आया है। एंड द गुड थिंग अबाउट चाइना इज कि दे डू नॉट नो हाउ टू इनोवेट। भी इनका इनका जो पॉलिसी है वो चलता है तीन वर्ड्स के ऊपर, मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ। उसको बोलते हैं शूहारी। ये शूहारी क्या होता है कि शूहारी मीन्स, शू मीन्स आप कुछ में सोचो, जो दुनिया में अच्छा चल रहा है उसको कॉपी करो। शू हाँ का मतलब है उस गेम को, उस चीज को इतना आगे ले जाओ कि आप जिससे कॉपी किया है उससे भी बेटर करना शुरू कर दो। और री का मतलब है कि उसके बाद आप उसको हमारे अपने पीछे लगा लो, क्योंकि आपने गेम को इतना आगे ले गए हो कि अब उसको पीछे लगाना शुरू कर दो जिससे आपने कॉपी किया है। और आज की डेट में कॉपी करने के लिए इनके पास है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्पेशली इन सेमीकंडक्टर बंद कर दी है। एंड देर आर सेंक्शन इफ समबडी ट्रांसफर्स द टेक्नोलॉजी, दैट कंट्री और दैट कंपनी कैन बी सेंक्शन ऑल्सो। तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि अभी पूरे वर्ल्ड का फोकस, अभी आप देखिए G20 में भी सारे वर्ल्ड के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, G20 के सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इंडस्ट्री का एक माहौल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया कि सेमी कंडक्टर को अगर इंडिया लेकर आ गया अपने पास, आप देखेंगे सारे वर्ल्ड की जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जितनी भी मोबाइल कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है, सब इंडिया में आने वाली है। और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस, और चाइनीज कहीं पीछे पिछते पिछड़ते दिख रहे हैं इसमें। अच्छा इस सेमीकंडक्टर में टाटास और इंटेल की भी खबर है कि इंटेल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाला है। एक चीज और कि चाइनीज जो सामान है वो बड़ा लो ग्रेड का दिखता है, कई बार बोला जाता है कि चाइना चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। क्या चाइना इसी तरीके का सामान बनाता है या थोड़ा बेटर सामान भी बनाता है? देखिए रोहित जी, ये बात बहुत पहले हम सुनते थे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स चलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब बुरा क्वालिटी ही बनता है, लेकिन यहाँ पर तीन तरह की क्वालिटी बनती है जिसको हम ABC बोलते हैं। ए ग्रेड का क्वालिटी होता है जो आप यूरोपियन कंट्रीज में या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका जैसे कंट्रीज में, वहां पे माल जाता है। अब देखेंगे वहां पर जो मटेरियल जाता है वो कभी भी खराब नहीं होता, तो उसकी प्राइस भी हायर होती है। लेकिन जो मटेरियल इंडिया में आता है, इनके दिमाग में हमेशा है कि अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, यहाँ पे अच्छा माल नहीं जाएगा, तो इसलिए जो लो क्वालिटी मटेरियल है वो हमारी कंट्रीज में जाता है, जो कि बड़ा चीप होता है। वो चले चले, नहीं चले तो नहीं चले। बट एज फार एज चाइना इज कंसर्न, अभी इनका फोकस हो गया है कि वी शुड वर्क ऑन क्वालिटी ओनली।
तो जो शी जिनपिंग है, इनका फोकस है कि अभी हम ये छोटी छोटी जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है इसको बंद करें, ताकि हमारी जो रेपुटेशन है वर्ल्ड में जो खराब हो रही है इसको हम ठीक करें। इसलिए ये अब जो ये छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दो दो तीन तीन रुपए के प्रोडक्ट्स पहले इंडिया में भी आते थे, तोल के आते थे, वो अब इनका इंटरेस्ट उसमें से नहीं है। ये इनको लगता है कि वियतनाम में, इंडिया में ये प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका फोकस आ गया है हाई एंड मटेरियल्स में, क्योंकि इनको सुपर पावर बनना है, इनको भूख है कि वी शुड बिकम द सुपर पावर एंड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वी शुड बी। अब इनका नाम भी है ना चुंगो, चुंगो मीन सेंटर ऑफ द अर्थ। इनको ओके बचपन से पढ़ाया गया है, इनको बचपन से पढ़ाया गया है कि आप लोग चाइनीज जो हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ है और सारे वर्ल्ड की पॉलिसी हमारे से जल चलनी चाहिए। अब इनको समझ आ गया कि छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाकर अब दुनिया के सेंटर में नहीं आ सकते। सेंटर में आने के लिए आपको AI, रोबोटिक्स, इन चीजों में आगे जाना पड़ेगा। अब ये बच्चों को वहां पे भेज रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, कि वहां पे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से भेजा जा रहा है कि आप वहां जाकर ये चीजें सीखें, सीख कर वापिस आए, और यहाँ पर क्योंकि दिमाग तो लगाना नहीं है, कॉपी करें और अपनी कंट्री में आके लगाना शुरू करें। नाउ देयर इंटरेस्ट इज कि इन चीजों में जाया जाए, ताकि हमारा एक नाम बने वर्ल्ड में कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं। अच्छा अच्छा बात करें तो जो इनके स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, अभी हाल में बताया गया कि वो स्टेल्थ बॉम्बर्स भी उस काबिल नहीं है। स्टेल्थ बॉम्बर्स भी इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके या क्वालिटी चोरी करके बनाए हैं और वो दिख जाते हैं इस पे। अगर डिफेंस के लिए तो एक अलग से शो करेंगे आपके साथ, नो डाउट। लेकिन मैं सरसरी तौर पे पूछना चाहूंगा कि क्या इनकी जिस तरीके की ये मिलिट्री कैपेबिलिटी बताते हैं, क्या उतनी कैपेबिलिटी है, या सच में इन्होंने अपने बकवास प्रोडक्ट्स को, जैसे कि GF-17 हम देखते हैं, चाइना बहुत, पाकिस्तान बहुत बोलता था कि GF-17 बड़ा काबिल है, वो काबिल नहीं निकला, वो तो ग्राउंडेड है। वैसे ही क्या इनके स्टेल्थ बॉम्बर्स भी वैसे ही? देखिए रोहित जी, कॉपी तो कॉपी रहेगा, क्योंकि एक जो रिसर्च रहती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके पीछे सालों साल की मेहनत रहती है, उसकी इन्स एंड आउट्स रहते हैं। जब आप उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ खामी तो रहेगी। वो बोलते हैं ना, गुरु सब कुछ दे देगा, लेकिन एक गुरु मंत्र जो रहता है वो अपने पास रखता है। वही चीज आपको दिखेगी इवन इन डिफेंस मटेरियल्स। अभी इन्होंने जैसे प्लेन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इन्होंने सब कुछ कॉपी किया है। मैं इसको कॉपी वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इंटरनेशनल उसमें फोरम पे वैसी बात करें। हम इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, इनको इंस्पिरेशन लेते हैं दूसरी कंट्री से और उसको इंस्पिरेशन को आगे रिवर्स इंजीनियर करते हैं। बट वो कभी भी वो उस लेवल पर नहीं आ सकते जिस लेवल पर वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। एज फार एज कैपेबिलिटीज आर कंसर्न्ड, लेट्स लेट्स डू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑन ईच एंड एवरी थिंग, टेकिंग देयर प्लेन्स, देयर यू नो देयर मिसाइल्स, वट एवर। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, इट इज नॉट इवन क्लोज टू वॉट इंडिया इज क्रिएटिंग और द वर्ल्ड हैज क्रिएटेड ऑलरेडी। राइट। अच्छा फाइनल क्वेश्चन आपके साथ ये कि चाइना कैसे देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिया को? हाँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द लाफ्टर विच आई यूज टू सी, जब मैं देखता था इनको इंडिया के ऊपर हंसते हुए, ये आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और ये अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं और ये हमारे से फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये हंसते थे हमारे ऊपर। लेकिन आज मैं एक आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि अब डर है इनके अंदर कि अगर कोई इनके सामने खड़ा हुआ है तो मिस्टर मोदी हैं। अभी आप देखिए, डोकलाम हो या आपका जम्मू कश्मीर में जितना जो कुछ भी हुआ है, आज अगर कोई खड़ा हुआ है इनके सामने, अब जितने भी इनके इनके आसपास 18 कंट्रीज लगते हैं, सबके साथ इनका लफड़ा है। तो बॉर्डर्स का झगड़ा है, कहीं सी का झगड़ा है, और सब जगह पर ये जगह को, जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हड़पना इज द राइट वर्ड, राइट? हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिया है जहां पर ये नहीं कर पाए, जो पहले फ्री फॉल में कर रहे थे। कांग्रेस के टाइम पर हर एक साल अपने जो पोस्ट रहती है इनकी, आर्मी की पोस्ट, वो थोड़ी सी किलोमीटर, कुछ मीटर अंदर को, इंडिया के अंदर ये लेकर आते रहे, लेकिन आज की डेट में वो फ्रीज हो गया है। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है 2000 किलोमीटर चाइना ले गया, कहीं ना कहीं वो सच्चाई भी है। वो उनके दौर पे, जब उनका दौर था, रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, उस वक्त ये जमीन चाइना ने हड़पी है हमारी, लेकिन आज की डेट में वो नहीं कर पा रहे। तो ये
एक डर भी है। अगर आप चाइनीज से पूछे, किसी भी चाइना को पूछो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिससे आपको डर लगता है वो कौन है, तो वो कभी भी अमेरिका नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे आज की डेट में। वो बोलेंगे अमेरिका इज गॉन, इंडिया इज द नेक्स्ट थ्रेट बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी। राइट राइट ये तो सुमित जैन इंटरनेशनल एक्सपर्ट और जिसे बोलते हैं कि चाइना पे पैनी नजर। सर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन आपके साथ और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद टू एवरीबडी।